हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ऑयल जो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है। हेयर लॉस या डैंड्रफ की जो भी आपको हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इस ऑयल से क्योर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स मैंने डाले हैं ऑयल बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल न्यूट्रेला का, ये अबाउट 250 ग्राम्स है। मस्टर्ड ऑयल जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है हेयर ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पे लिया है फेनुग्रीक सीड्स, ये भी बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ के लिए वर्क करता है, इसमें फाइबर होता है। और ये हमारा इंग्रेडिएंट जो है वो गार्लिक, गार्लिक में सल्फ़र होता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेयर लॉस में हेल्प करता है। अगर हेयर लॉस हो रहे तो उसे क्योर करता है। अजवाइन की सीड्स लिया है यहाँ पे और करी लीव्स। ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये हेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिशियल है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। और मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। सो इसमें हम दो तीन ऑयल्स को मिक्स करने वाले हैं, मैं आपको आगे बताऊँगी। जो थर्ड ऑयल हम डालेंगे वो है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं। अब क्या करना है, मेथी की जो सीड्स हैं उसको और अजवाइन को हम मिक्सी में पीस लेंगे। सो इस तरीके से पीस लेंगे, बस ये थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाए इसीलिए हमने इसको पीस लिया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने करने के लिए रख दिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल। अब ये जो मस्टर्ड ऑयल है इसको बहुत अच्छे से गरम करना है, इसमें से स्मोक निकलना चाहिए उतना गरम करना है। देखें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऑयल गरम हो चुका है। अब जो हमने मेथी की सीड्स और अजवाइन को पीसा था वो ऑयल में डाल देंगे, और लहसुन जो गार्लिक है वो डाल देंगे, और करी लीव्स डाल देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल में बहुत अच्छे से पकाना है। जो हमने पाउडर डाला था वो पूरा जल जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको हम ठंडा होने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कांच की बॉटल में इसे स्ट्रेन कर लिया है। स्ट्रेन अच्छे से कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ठंडा होने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, और मैं इसमें विटामिन ई की कैप्सूल्स भी डालती हूँ। तो इसे बस कट कर लेना है और 6 कैप्सूल्स इसमें डाल देना है। विटामिन ई की जो कैप्सूल्स होती है वो बहुत अच्छी होती है फेस के लिए, हेयर के लिए। तो इस ऑयल में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं बालों के लिए, और इससे जो है बालों का बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। बस अब ये ऑयल रेडी हो चुका है। ये ऑयल को आप वीक में 2 बार यूज़ करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। आप ओवरनाइट ये ऑयल लगा दें और सुबह में हेयर वॉश कर लें, या तो फिर आप 1 आवर में भी इसको लगा के वॉश कर सकते हैं। ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।